फ्रेंड्स, हम लोग आज क्लास सेवन का एक्सरसाइज टू बी के क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 10 तक सॉल्व कर लिया था। जो 11 क्वेश्चन है वह है आपके सामने यहाँ पर। इसमें कह रहा है कि हाउ मच मोर इज़ 1/2 अप 2/3 देन 3/4 अप 1/3। यानी इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने के बाद और इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने के बाद हमें ये कंपेयर करना है कि ये फ्रैक्शन इससे कितना अधिक है। तो बच्चों, मैंने यहाँ पर करके रखा है। यहाँ पर आप देखो, ऑफ मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, और यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई साइन यूज़ किया है दोनों जगह। इसको मैं कैलकुलेट किया हूँ तो 1/3 माइनस 1/4 आया है। 3 और 4 का एलसीएम 12 आएगा, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे 12 को 3 से तो 4 टाइम्स में, और 4 में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। इसी तरह सेकेंड को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 आएगा तो 4 - 3 यानी 1/12। ये ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन में हमें बताना, सॉरी 12 नंबर क्वेश्चन में बताना है कि इन चारों फ्रैक्शन में से कौन सा फ्रैक्शन रेसिप्रोकल फॉर्म में नहीं है। तो बच्चों, चारों को जो आप कंपेयर करोगे तो जो ऑप्शन डी आएगा वही आंसर होगा, क्योंकि 7/9 और 21/27 ये रेसिप्रोकल फॉर्म में नहीं है। क्योंकि जब 21 और 27 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये 3 7s और 3 9s, यानी 7/9 और 7/9 ही लिखा जाएगा, इसलिए ये रेसिप्रोकल फॉर्म में नहीं है। इस तरह से हमारा ऑप्शन जो डी होगा वो हमारा आंसर होगा। 13 में हमें बताना है कि 3/10 मीटर लॉन्ग एक जो वायर है उसे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ईच पार्ट क्या आएगा। तो मैंने 3/10 में 2 से डिवाइड किया है इक्वल पार्ट करने के लिए, तो हमारा 3/10 ये रेसिप्रोकल होगा इसका 1/2, 3/20 यानी ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करके ऑप्शन में से चुनना है। तो यहाँ पर देखो, ऑफ मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई। यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई साइन पहले यूज़ किया है, जहाँ जहाँ ऑफ है उसको मैं पहले सॉल्व किया हूँ। तो ये जो है ना, 1/2 / 1/4 हो जाएगा, और नीचे वाला में 1/2 + 1/4 आ जाएगा। तो 1/2 डिवाइड का साइन जो होता है जब चेंज होता है मल्टीप्लाई में, तो ये इसका रेसिप्रोकल फॉर्म हो जाता है। ये 4/1 हो जाएगा, और नीचे वाला जो है, चूँकि फ्रैक्शनल ऐड है इसलिए मैंने इसको ऐड किया है, और इस तरह से 2/1 और डिवाइड बाई 3/4 हमारा आ रहा है। तो यहाँ पर मैं जब इसको कैलकुलेट करूँगा तो 4/3 चला जाएगा ऊपर, यानी इस फॉर्म में लिखाएगा 2/1 × 4/3 तो हो जाएगा 8/3। इस तरह से जो हमारा फ्रैक्शन बनेगा वह 2 होल 2/3 हमारा ये आंसर होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें ये देखना है कि 1/4 + ये दिया हुआ है यहाँ तक। तो सबसे पहले मैंने इस स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व किया है, तो यहाँ पर डिवाइड का साइन था तो ये मल्टीप्लाई में चेंज हुआ है, तो 2/1 हो गया, 2 कट गया हमारा। तो इस तरह से हमारा 1/1 यहाँ बचता है, और यहाँ पर चूँकि मैं इसको कैलकुलेट किया तो डिवाइड साइन चेंज होकर के मल्टीप्लाई में हुआ है, तो ये 2/1, 2 कट गया। इस तरह से हमारा 1/2 + 1/1, जब इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये हमारा आता है इस साइड में 1/2 × 1/2 / 3/2। तो बच्चों, डिवाइड का साइन पहले सॉल्व होता है, तो 1/4 + 1/2 × 1/2, और ये 2/3 हो जाएगा चूँकि मल्टीप्लाई साइन में चेंज होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2/3, 2 और 2 कट जाएगा। इस तरह से 1/4 + 1/6 हमारा ये फ्रैक्शन बचता है, और दोनों का जब 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो 12 आएगा। सॉल्व करेंगे तो 4 3s और ये हो जाएगा 6 2s। इस तरह से 3 + 2 क्या हो जाएगा, 5/12 हमारा आंसर होगा। 5/12 जो है ये ऑप्शन डी है। यहाँ पर आप लोग ऑप्शन डी लिख लेना, आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 16 जो है उसमें आप देखोगे तो इसमें कह रहा है कि अगर 1/2 को मैं चेंज करके 1/10 लिखूँ, 1/7 को 1/35 लिखूँ, 2/3 को 2/15 लिखूँ, तो 5/3 को लिखने के लिए हम कौन सा रूल यूज़ करें कि ये 5/3 में आ जाए, यानी 5/3 हो जाए, ठीक है। तो 5/3, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनटू व्हाट फ्रैक्शन विल बी द मशीन चेंज 5/3। तो आप देखो बच्चों, यहाँ पर 1/2 में जब हम 5 से डिवाइड किए हैं, 1/7 में 5 से डिवाइड किए हैं, 2/3 में जब हम 5 से डिवाइड किए हैं, तो हमारा क्या आ रहा है,
1/10, 1/35 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा जो भी है 2/15। यहाँ हम क्या करेंगे, 5/3 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 1/3 से अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर मल्टीपल लिख दिया गया तो ये डिवाइड है, तो डिवाइड कर देते हैं तो ये जो है ना 1/5 चेंज होकर के क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। 1/3 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 1/5, इसको ऐसे समझ लेते हैं। यहाँ पर हमें लाना है 1/3 में, तो 1/3 डिवाइड बाई 1/5, आप देखो तो ये हो जाएगा हमारा 1/3 इंटू हो जाएगा 5/1, मीन्स ये हो जाएगा हमारा 5/3। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1/5 हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 17, और 17 में हमें बताना है कि जो प्रिंटेड लेटर्स आर मेजर्ड इन यूनिट्स कॉल्ड पॉइंट्स, 1 पॉइंट इज इक्वल टू 1/72 इंच। तो यहाँ पर 1/4 इंच लंबे जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें 1/72 का कट लगाएंगे तो कितना पॉइंट्स बनेगा, ठीक है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ 1/4 चूँकि ये पूरा हमारा दिया हुआ है और इसको वन जो पॉइंट है 1/72 इंच का है, तो हम 1/4 में 1/72 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 चेंज होकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा और 72/1 हो जाएगा। जब चेंज होगा तो ये साइन ऊपर चला जाएगा, ये साइन चेंज होगा डिवाइड इनटू में तो ये 72 ऊपर आ जाएगा और 1 क्या होगा, नीचे आ जाएगा। इस तरह से 4 से जब डिवाइड करेंगे 72 को तो ये 18 टाइम्स में कटेगा, इस तरह से जो 18 पॉइंट्स हमारा बनेगा। अगला जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि हम 1/3 1/3 डिवाइड बाई 1/2 डिवाइड बाई 1/9 को किस इंटीजर में से सब्ट्रैक्ट करें कि हमारा आंसर 1/5 आ जाए। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को हमने हटा दिया है, मिक्स फ्रैक्शन जब हट गया है तो ये डिवाइड का साइन है चारों जगह, हर जगह लगा हुआ है, तो मैंने इनको इनटू में चेंज किया है तो ये सारे जो है रेसिप्रोकल फॉर्म हो जाएंगे, ये और ये दोनों फ्रैक्शन, तो ये हमारा कट करके आ रहा है 4/5। देख लेना बच्चों ये कैसे कट है, आप लोग खुद से भी करना है इसको। तो 4/5 जो है प्रॉपर फ्रैक्शन है और प्रॉपर फ्रैक्शन का जो वैल्यू होता है ऑलवेज 1 से कम होता है। तो यहाँ हमें क्या करना होगा, जो हमारा नियरेस्ट इंटीजर है वह क्या है, इनके पास 1 है, तो 1 में से 4/5 को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 1-4/5 इस तरह से ये हमारा 5-4/5 होगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन आपको पता है कैसे होता है, तो 1/5 हमारा आंसर होगा। मुझे उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा। इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं उनका एक बार फिर से रिवीजन करना और फेयर भी कंप्लीट कर लेना। धन्यवाद।